हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज ये चैप्टर ग्लोबल प्रॉब्लम्स इन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है ज्योग्राफी बुक ग्रेड 12 से। सबसे पहला है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण है हमारे वातावरण में, ये इसको जो है क्रिएट किया गया है इंसान के द्वारा भी और नेचर के द्वारा भी। लेकिन अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो इंसान के द्वारा जो पॉल्यूशन क्रिएट किया गया है वो कहीं ज्यादा घातक या हानिकारक है। मैन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी एक्टिविटीज करता ही है जिसके कारण पॉल्यूशन जनरेट होता है, और इसीलिए जो वो पॉल्यूशन जिस तरीके का करता है उसको हमने बांटा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में। तो जिस तरीके से प्रदूषण फैलता है या उसके जो माध्यम है उसके अकॉर्डिंग पॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है, वाटर पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, चार तरीके के पॉल्यूशन बताए गए। सबसे पहले देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। जो एक कहावत है, जल ही जीवन है, ये एक बिल्कुल कहते हैं ना प्रूवन कहावत है, जस्टिफाइड है। हवा के बाद पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोई और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई इसका और सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, शहर के जो बन रहे हैं या जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो पानी का एक इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किया जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी है पानी की अब वो भी नीचे जाती जा रही है। नदियों का, लेक्स का, ये जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं हमारी कंट्री में, उनका जो पानी है वो काफी हद तक इम्प्योर होता जा रहा है। ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक वाटर हो, छोटी सी क्वांटिटी में भी होगा वो जो है हमारे पानी में इम्प्योरिटीज को पैदा करता है। जब ये जो मैटर है एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कि जो पानी है उसके बाद अपनी खुद की क्षमता नहीं रह जाती कि वो खुद को अपने आप साफ कर सके। जो रिजर्वायर्स हैं ये पोल्यूटेड होते हैं अनवांटेड मटेरियल के कारण, जैसे बहुत ज्यादा पानी, बहुत हैवी मेटल्स, केमिकल के जो रेसिड्यूज लेफ्ट ओवर्स होते हैं, ये सब कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस। नतीजा क्या होता है, वो जो जीव जंतु पानी के ऊपर निर्भर हैं उनका लाइफ सिस्टम खत्म हो जाता है। पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है लेदर के कारण, पेपर और जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं इनके कारण पानी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, प्रदूषित। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके साथ साथ क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल हो गया इंसेक्टिसाइड्स का और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, फार्मिंग में जो है इस्तेमाल होने लग गया। ये केमिकल जो है रेन वाटर में घुल जाते हैं, रिजर्वायर्स तक पहुंचते हैं और रिजर्वायर्स को पोल्यूटेड करते हैं। फिर यही पानी जो है क्या होता है, धीरे धीरे सीप करके ग्राउंड वाटर में चला जाता है और वहां के पानी को भी प्रदूषित करता है। इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। अब जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मेले लगते हैं, धार्मिक टूर्स होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं, नदी के किनारे, लेक्स के, ये सब भी काफी हद तक जिम्मेदार है वाटर पॉल्यूशन के। हमारे यहाँ 70% पानी जो अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसमें कहना चाहिए ये 70% जो क्वांटिटी है अवेलेबल वाटर की वो पहले से ही प्रदूषित। अब वाटर पॉल्यूशन का असर क्या होता है, सबसे पहले तो जो लाइफ साइकिल है एक्वेटिक लाइफ की, यानी जो पानी के जीव जंतु हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बायोटिक और एबायोटिक मैटर जो है जो रेन वाटर द्वारा लाया जाता है बड़े बड़े रिजर्वायर्स में या रिवर्स में, वो कई बार जो है अनवांटेड वेजिटेशन और इंसेक्ट्स की जो है प्रॉब्लम को खड़ा कर देता है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा लिविंग या नॉन लिविंग मैटर जो है जो रेन वाटर के साथ आता है, क्या कहते हैं, रिजर्वायर्स में आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है, उससे जो है वेजिटेशन और इंसेक्ट्स दोनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती है। कई सारी पानी से संबंधित डिजीजेस जो है वो होने लगती हैं अगर हम गंदा पानी पीते हैं, पोल्यूटेड पानी पीते हैं। इससे होता है हमें डायरिया, वॉमिटिंग, वर्म्स एंड हेपेटाइटिस, इस तरह की जो है बीमारियां होता रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं। इसके अलावा फिश हो गई और जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी जो है अफेक्ट होती है पोल्यूटेड रिजर्वायर्स पे। यहाँ तक कि जो लोग मछली खाते हैं या जो और चीजें खाते हैं,
फूड खाते हैं उनकी मील्स में भी जब ये चीजें पहुंचती हैं तो उससे वो भी बीमार पड़ते हैं। सरफेस वाटर जो है वो ही पॉल्यूट नहीं होता, ये क्या होता है, नीचे सीप कर जाता है, परकोलेट कर जाता है सरफेस के, और जो ग्राउंड वाटर है उसको भी गंदा करता है। इस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी जो जनरेशन आगे आने वाली सदियों में होंगी वो भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगी, उनको भी सफर करना पड़ेगा। अगर इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई है वो इस पॉल्यूटेड वाटर से करी जाती है तो क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। पॉल्यूटेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, क्योंकि वो सब किससे उगाए जाते हैं, इसी पॉल्यूटेड वाटर से। रिसर्च बताती है कि जो पॉइजनस एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, खासतौर से जो पॉल्यूटेड वाटर से उगाई जाती हैं रिवर बेड्स में, उनके लिए कहा जा रहा है कि उसमें भी पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जिस पानी से सिंचाई होती है वो पोल्यूटेड पानी होता है। दूसरा आता है एयर पोल्यूशन, साफ स्वच्छ हवा। ये अगेन बेसिक नीड है एक हेल्दी लाइफ की। हमें खुली हवा में सुबह उठ के जब हम बाहर निकलते हैं एक ताजी हवा लेने का ऐसा मन करता है, उतना रिफ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि तो ये हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना खाने के इंसान रह सकता है लंबे समय तक, लेकिन हवा के बगैर नहीं रह सकता। जो जहरीला धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होता जा रहा है इंडस्ट्रीज के कारण, व्हीकल्स के कारण, या अलग अलग तरीके जो ईंधन इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे। मैन का ना एक क्रेज है, एक पागलपन है कि वो मॉडर्न बनना चाहता है, और उस मॉडर्न बनने के चक्कर में उसने जो अपने आसपास का वातावरण है उसको एक तरह से गंदगी का ढेर बना दिया। हम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या गैसियस फॉर्म में, अब दिन पर दिन जो है डर्ट को ऐड करते जा। पिछले 50 सालों में इम्प्योरिटीज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये जो है एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है बहुत भारी संख्या में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे अभी हमने देखा था कि पानी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसी से देखते हैं एयर पॉल्यूशन की क्या प्रॉब्लम। जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन यानी कमी आ रही है किसी केमिकल पॉल्यूटेंट्स के कारण, और ये खतरा बनती जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा मात्रा में जो सल्फर डाइऑक्साइड है एयर के अंदर वो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार। सनराइज जो है या सनसेट जो है वो चाहे पॉपुलेटेड या पॉल्यूटेड सिटीज हैं, एयर पॉल्यूशन के कारण वो बहुत हेजी हो रहा है, मतलब आपको एक खुली धूप नहीं मिल रही, कहीं एक धूप में धुंधलापन, बहुत ही डेंस फॉग, कोहरा जो है वो शहरों में एक तरह से बना हुआ है अर्ली मॉर्निंग्स में, खास तौर से जब सर्दियां होती हैं, और इससे क्या होता है विजिबिलिटी में जो है बाधा होती है। बहुत सारी डिजीजेस हैं स्किन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, इन सब की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जो इम्प्योर लेड कंटेंट है एयर के अंदर वो काफी ज्यादा डेंजरस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है नर्वस सिस्टम पे, किडनी पे और हार्ट पे। तभी लोगों को बोलते हैं जब आप सुबह जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप बाहर देखें कि बहुत ज्यादा स्मॉग नहीं है तभी निकले, नहीं तो आप जो है मुंह कवर करके निकले, एटलीस्ट अपने को उससे प्रोटेक्ट करें। प्लांटेशंस में भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो एयर पॉल्यूशन के कारण जो है वो डिक्रीज हो। थर्ड आता है लैंड पॉल्यूशन। लैंड जो है हमको बेसिक नीड देती है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की, रेजिडेंसी। अब क्वालिटी जो लैंड की है वो भी डिटोरिएट हो रही है, यानी कि उसमें भी कमी आ रही है ड्यू टू लैंड पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा हेवी तौर पर रिडक्शन हो रहा है इकोनॉमिक और बायोटिक प्रोडक्टिविटी जो लैंड की है। आर्थिक तौर पे जो लैंड हमारे को फायदेमंद है या जो लिविंग उसके लिए, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है क्रॉप्स वगैरह के लिए, उसमें बहुत कमी आ रही है। लैंड पॉल्यूशन मेनली किस चीज से फैल रहा है? इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा है उसके कारण। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अगर लैंड पॉल्यूशन के सोचे जाए तो बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। इफेक्ट्स क्या है लैंड पॉल्यूशन के? कई बार ऐसा होता है कि लैंड की जो एक उपजाऊ होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो जो है एक बैरन वेस्ट लैंड बन जाती है। जो क्रॉप पैटर्न है रीजन का उसको बदलना पड़ता है, यानी जिस तरह से फसल उगाई जाती है उसका भी एक तरीका बदलना पड़ेगा। इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट पे और पब्लिक लाइफ पे असर आता है। जो प्रोसेस है जिससे हम वेस्ट लैंड को रीयूजेबल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं वो बहुत ही लंबा है, जटिल है और काफी महंगा है।
तो कहते ये हैं कि लैंड पॉल्यूशन को हर कीमत पर रोकना जरूरी है। वो पानी जो नीचे चला जाता है सबस्ट्रेटा में, सॉइल के यानी कि नीचे की सतह में जाता है, वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। अगर बारिश होती है थोड़े दिनों बाद वहां क्या होता है, गड्ढे में अगर पानी भरा होगा वो धीमे धीमे हो जाएगा। ऐसे खेतों में जब पानी बारिश होती है थोड़े दिन बाद वो पानी बैठ जाता है, सूख जाता है, तो कहाँ जाता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है। ये जो जमीन के अंदर जा रहा है उससे वो क्या ले जा रहा है, जो भी केमिकल्स वगैरह है उनको अपने साथ पानी की सतह के नीचे ले जाता है। जहां अभी हम एक तरफ सोचते हैं कि सुंदर आंखों को खुश करने वाले नजारे देखेंगे, वहीं पर अभी क्या दिख रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड्स, जो हमारे अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हैं। फाइनली आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज यानी कि ध्वनि वातावरण जो प्रदूषण, जब वॉल्यूम जो नॉइज का है वो आपकी जो एक क्षमता होती है सहन करने की उससे बढ़ जाता है, तब हम उसे कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। इसको भी क्रिएट किया जाता है कई सारी इंडस्ट्रीज, एयरप्लेन, सायरन, लाउड स्पीकर्स के द्वारा, सब जिम्मेदार है नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है नॉइज पॉल्यूशन। आज की डेट में लोगों को इतनी पेशेंस नहीं है कि वो 2 मिनट वेट कर सके कि आगे वाली गाड़ी निकले तो हम आगे उसके पीछे से निकल पाए। वो जहां बैठे हैं वहीं से इतनी देर तक वो हॉर्न बजाते रहेंगे, जैसे बस चले तो वो सबको हटा के पहले खुद निकल। तो क्या हो रहा है, आप जबरदस्ती का नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर। ये जो लेवल है नॉइज पॉल्यूशन का तब डिक्रीज हो सकता है अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया, रेलवे, रोड, एयरपोर्ट से दूर हो जाए। खास तौर से ये बहुत ही डेंजरस लेवल पर देखने को मिलता है जो बिजी रोड्स होती हैं बड़े बड़े शहरों की, जहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये जो वॉल्यूम है, इसकी इंटेंसिटी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। इफेक्ट्स क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन, जो लोग कॉन्स्टेंटली नॉइजी एटमोसफियर में काम करते रहते हैं वो तो हमेशा एक तनाव बना रहता है और वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक्सट्रीम नॉइज जो होती है मशीन्स की में जो लोग काम करते हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं वो फिर बहरे हो जाते हैं। हार्ट बीट जो लोगों की है जो इन हैवी नॉइज से में काम करते हैं, या उनकी बढ़ जाती है, उनकी जो कैपेसिटी स्मेल करने की, देखने की, वो भी आगे चल के धीमे धीमे कम होने लगती है। अगर इसी तरीके से नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर नॉर्मल बात नहीं करनी होगी, हम चिल्ला चिल्ला के बात करें। यहाँ तक कि जो पालतू जानवर हैं वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के कारण। अब देखते हैं रेमेडीज क्या हैं प्रिवेंट करने की इस पॉल्यूशन। हमने अभी भी पहले भी पढ़ी कि रेमेडीज जो है हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करें। सबसे पहले जो लिक्विड वेस्ट है उसको प्रॉपरली ट्रीट करो, उसको बाद उसको रिलीज करो। बायोटिक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है बजाय केमिकल फर्टिलाइजर के। जो भी लिक्विड है या सॉलिड वेस्ट है उसे साइंटिफिक तौर पे क्लियर करो। जिस टाइम पे रिलीजियस या कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, खास तौर से रिवर बैंक्स या लेक्स के, सॉलिड वेस्ट चाहे वो गैशियस लिक्विड या सॉलिड वेस्ट से हो, इंडस्ट्रीज से जो निकलता है उसको नदी में डालने से पहले क्लियर कर दो। पहले से एडवांस में प्लान करो पॉल्यूशन को लेकर, उसके प्रिवेंशन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनिशियल फेज होता है नई इंडस्ट्रीज, अगर आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उसमें अगर आप पहले से ही कर लें कि भाई हमें क्या, अगर ये करते हैं इससे तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अगर हम उस चीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम पहले से ही उसके बारे में प्लानिंग करें, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं। एयर और नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए पेड़ लगाकर सही मात्रा में, जहां भी प्लानिंग कर रहे हैं नई टाउन्स की, सेटलमेंट्स की, और नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए व्हीकल्स की डिजाइन। सबसे पहले लीगल प्रावधान होने चाहिए, कोई इतना ज्यादा नहीं बजाना है आपको, और उनको स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया जाए। आप लॉ तो बना देते हैं हाँ ये नहीं करना, पर उसको लागू भी करना जरूरी है। फ्यूचर जनरेशन जो है वो इस बात से अवेयर हो कि आगे चल के ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें भी प्रॉब्लम कर सकती है, इसकी गाइडेंस स्कूल कॉलेज में देनी चाहिए। कई सारी जो कास्ट बेस्ड एसोसिएशन है, एनजीओ हैं, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। ज्यादा से ज्यादा नॉन पेरिशेबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल करें बजाय फॉसिल फ्यूल्स के, ताकि एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए। जो डेड बॉडी क्रिमिनेट की जाती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी या सीएनजी फैसिलिटीज का ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर हम वाकई में चाहते हैं, हमारी इच्छा है
और लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेना चाहते हैं इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं हमको ये जो एक बहुत ज्यादा घातक असर पड़ रहा है पॉल्यूशन का, इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी, ये करते हैं अगले वीडियो।